छह दिन के अमेरिका दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को सैन फ्रांसिस्को में भारतीयों के बीच स्पीच दी। 40 मिनट के स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने बयान दिया कि वो भगवान को भी दुनिया चलाना सिखा देंगे, भगवान भी चौंक जाएंगे कि ये मैंने क्या बना दिया। राहुल मंगलवार शाम को अमेरिका पहुंचे। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर राहुल का स्वागत इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोदा और आईओसी के अन्य सदस्यों ने किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल को इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान जब लोगों ने उनसे पूछा कि वो लाइन में क्यों खड़े हैं, तो उन्होंने कहा, मैं अब आम आदमी हूँ, मैं अब सांसद नहीं हूँ। इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। राहुल गांधी ने कहा, मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल मार्च शुरू किया। यात्रा के दौरान हम जान रहे थे कि राजनीतिक में किन चीजों का इस्तेमाल होता है। इस तरह की बातचीत और पब्लिक मीटिंग काम नहीं आ रही थी। सभी चीजें जिनकी हमें राजनीति में जरूरत थी, उन्हें भाजपा और संघ ने कंट्रोल कर रखा था। लोगों को डराया जा रहा था, एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा था, हमें राजनीति करने में मुश्किल आ रही थी। ऐसे में हमने श्रीनगर तक यात्रा का फैसला किया। उन्होंने कहा, जब हमने शुरुआत की मुझे लगा कि देखेंगे क्या होता है। 5-6 दिन बाद लगा कि 4,000 किलोमीटर की यात्रा आसान नहीं है। पुराने घुटने की चोट भी उभर आई, मुझे चलने में बहुत दर्द होने लगा। अचानक कुछ बहुत चौंकाने वाला हुआ, मुझे एहसास हुआ कि 25 किलोमीटर यात्रा के बाद मुझे थकान नहीं महसूस होती थी। 6 बजे सुबह हम उठते थे और शाम 7-8 तक चलते थे और मुझे कोई थकान नहीं होती थी। राहुल बोले, भारत जोड़ो के दौरान मुझे एहसास हुआ कि देश में क्या चल रहा है। मैं नहीं चल रहा था, भारत मेरे साथ चल रहा था। सभी धर्मों और समुदायों के लोग आ रहे थे, बच्चे आ रहे थे, ऐसा प्यार का माहौल बन रहा था, किसी को थकान नहीं हो रही थी, सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। इसके बाद हमें आइडिया आया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली जाए। उन्होंने कहा, कांग्रेस के बारे में दिलचस्प बात यह है कि हम सबको प्यार करते हैं। कोई हमको कुछ कहने आता है तो हम उसे सुनते हैं। हम आक्रामक नहीं होते, हम गुस्सा नहीं होते, हम उन्हें प्यार करते हैं और यही हमारा किरदार है। यात्रा के दौरान एक अलग तरह की ऊर्जा आनी शुरू हो गई। सरकार के पास जितनी भी ताकत थी उन्होंने यात्रा को रोकने में लगा दी। राहुल गांधी ने कहा, दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई यह नहीं कह सकता कि वह सब कुछ जानता है। यह एक बीमारी है कि कुछ लोगों का ग्रुप है जो ये मानते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें लगता है कि भगवान से भी ज़्यादा जानते हैं। ये भगवान के साथ बैठकर उन्हें बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। और साहब, हमारे प्रधानमंत्री ऐसा ही एक उदाहरण है। मुझे लगता है कि अगर मोदी जी को भगवान के बगल में बैठा दिया जाए तो वो भगवान को बताना शुरू कर देंगे कि दुनिया कैसे चलती है। भगवान भी चकित हो जाएंगे कि ये मैंने क्या बना दिया। भारत में कुछ लोग सब कुछ जानते हैं, वो वैज्ञानिकों को विज्ञान सिखा सकते हैं, इतिहासकारों को हिस्ट्री सिखा सकते हैं, आर्मी को जंग लड़ना और एयरफोर्स को उड़ाना सिखा सकते हैं। और असल बात यह है कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं है। जिंदगी में आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं जब तक आप सुनने की आदत नहीं डालते हैं।